जीवन में काम करने के लिए एनर्जी लगती है, कंप्यूटर्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। दैट इज वो एनर्जी उसकी मेमोरी है, वो प्रोसेसिंग उसका सीपीयू स्पीड है एंड स्टोरेज उसका हार्ड डिस्क है। सो प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज ऑल थ्री आर द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर थ्रू विच एनी थिंग व्हाट एवर द कोड इज देयर और एनीथिंग व्हिच इज रन इज एग्जीक्यूटेड। जब भी कोई भी चीज एग्जीक्यूट होता है तो कंप्यूटर की ये मेमोरी यूटिलाइज होती है। अगर कोई फाइल आप सेव करते हैं हार्ड डिस्क उसका यूटिलाइज होता है जो कि स्पेस कंज्यूम करता है एंड प्रोसेसर जितना फास्ट होगा उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी। इसलिए जब कोई भी बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं, छोटे प्रोग्राम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं जैसे कि रियल लाइफ में आप लोगों के पास मोबाइल आपका जो भी है या ये लैपटॉप है, दीज ऑल आर द प्रोग्राम डिवाइस। सम कोड इज रनिंग बिहाइंड व्हेन यू टच द स्क्रीन व्हेन स्क्रीन ओपन्स। इसके पीछे कुछ कोड काम करता है। राइट नाउ गूगल मीट हो, व्हाट्सएप हो, ऑल आर प्रोवाइडिंग नाउ वीडियो कॉल, बट सर्टेन आर हैविंग लिमिटेशन, सर्टेन आर हैविंग यू कैन से दैट मच मच वास्टर एक्सपीरियंस। अब व्हाट्सएप में आप ग्रुप बना सकते हैं तो आई थिंक 256 लोगों का बना सकते हैं, वो उसकी एक लिमिटेशन है। टेलीग्राम में आप एन नंबर ऑफ पर्सन को ऐड कर सकते हैं। सो व्हाई दीज आर द लिमिटेशंस, बिकॉज दीज थिंग्स आर डिजाइंड इन सच ए वे टू कैटर स्पेसिफिक नीड्स। और हर के पीछे कोड काम करता है, लॉजिक काम करता है, और लॉजिक और कोड जो भी होगा वो एल्गोरिथम के थ्रू ही होगा। सो इसीलिए एज एन when the things will get bigger and the things are getting bigger, there was a need to analyze the complexity involved. जैसे कि मान लीजिए आप ही कहीं जाते हैं, अगर वहां जाने का चार रास्ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, then you calculate, you analyze कौन सा रास्ता शॉर्टकट होगा, किस रास्ते पे। सपोज कीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के तीन रास्ते हैं। वन रास्ता इज ए स्ट्रेट 80 फीट रोड है, नो ट्रैफिक। सेकेंड वन इज थोड़ा गलियों होकर के गुजरता है, बीच में ब्रेकर्स हैं। थर्ड वन इज देयर वो हिली एरिया है या स्लोप है। देन एंड ऑल तीनों की डिस्टेंस भी अगर सेम है तो तीनों रास्तों पर जाने के लिए आपको अलग अलग एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। 180 फीट रोड जो भी है वहां आप क्लियरली ड्राइव करते हुए निकल जाइएगा। जो गलियों से होकर रास्ता जाता है जहां ब्रेकर्स हैं, समटाइम्स यू हैव टू एक्सेलरेट, समटाइम्स यू हैव टू डिसेलरेट। थर्ड वन जो हिली एरिया है, यू हैव टू पुट योर मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स इंक्लाइनेशन, चढ़ते वक्त आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों में प्रोसेस इज सेम, योर टारगेट इज सेम, बट द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी डिफरेंट। प्लेन रोड पे आप सीधा का स्ट्रेट निकल जाएंगे विदाउट ए मिनिमल एफर्ट, जो कि एक बेसिक एफर्ट आपको लगाना पड़ता है। आइदर यू हैव टू ड्राइव और यू हैव टू वॉक। गलियों वाले रास्ते हैं, देयर यू हैव टू एंटीसिपेट, आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। So again, complexity increases there. Breakers हैं, तो अगर आप drive कर रहे हैं तो ब्रेक लगाना है, slow करना है, फिर fast करना है। आपका एफर्ट ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगा, आप ऊपर पहुंचते पहुंचते एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस एंड द नीड। अब जैसे कि लॉकडाउन, आप लोग के इधर भी लॉकडाउन होगा। Yes, sir. So in the lockdown, whatever we are observing here, there are a few roads which is blocked. We have to bypass that road, we have to find another door. So second process, जो predefined process है, उस predefined process को अभी मैं यहाँ से office जाता हूँ तो मुझे पता था कि predefined road है, I have to go. And ultimately 10 years से मैं वहाँ जा रहा हूँ तो रास्ते मुझे याद हो गए हैं, everything I know that breaker कहाँ पे आएगा, signal कहाँ पे आएगा and all. But suddenly that कल से नया लॉकडाउन शुरू हुआ, ब्लॉक हो गया। Now I have to find the alternate way. So again I have to refresh my memory, I have to find the alternate way and I have to involve myself. वहाँ पे कहीं मुझे लेफ्ट लेना है, कहीं राइट लेना है, कहीं फ्लाई ओवर है, कहीं डाउन है। So that's why आप भी जब कोडिंग करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, व्हाटएवर कोड यू विल राइट, सो अगेन यू हैव टू थिंक दैट व्हाट आर द वेज टू अचीव द गोल एंड व्हाट आर द यूजर्स। समवेयर सम विल बी एडवांस यूजर्स, सम विल बी योर बेसिक यूजर्स। तो जैसे जैसे आपकी कोड की लाइनें बढ़ती जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मोर पावर, मोर एनर्जी, मोर मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई
कोड ऑप्टिमाइजेशन इज अ वे टू डू दैट. आप एक कोड लिखिए, बाद में उसको ऑप्टिमाइज कीजिए एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट उस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. क्योंकि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितने ज्यादा सिस्टम का यूजेस होगा, उतना ही आपके फिजिकल हार्डवेयर पे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे लोड पड़ेगा, आपका प्रोग्राम स्लो रिस्पॉन्ड करेगा. इसलिए आप लोग देखते हैं अगर एंड्रॉइड फोन आप लोग यूज करते हैं, वन ईयर टू ईयर हो जाता है तो फोन लैग करने लगता है, हैंग करने लगता है. व्हाई इट इज सो क्वेश्चन इज दैट बिकॉज ऑल यू नो आपके भी मोबाइल फोन्स में चिप होता है, कंप्यूटर्स और मेमोरी होती है. अब तो 8 GB, 10 GB, 256 MB and all GB में रहने लगे, दो तो रॉम हुआ, दो आपका स्टोरेज, दो साल या तीन साल के बाद भाई सारा ऐप एग्जीक्यूट होने के बाद एक कैश बनाता है और आपका जो भी हार्डवेयर है, जो भी उसका एप्लीकेशन है, उसकी एक रेसिड्यूअल लाइफ होती है, उस लाइफ को वो क्रॉस करने लगता है और वो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर पाता है. दैट्स व्हाई इट यूजेस मच एनर्जी. और एनर्जी आती कहाँ से? आपके फोन से वो एनर्जी लेता है. एनर्जी का मतलब आपके फोन में एक बैटरी है जिसको कि आप चार्ज करते हैं जो ड्रेन होती है, तो बैटरी ड्रेन होना शुरू होती है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है. दीज आर द ऑल थिंग्स. दैट्स व्हाई कभी कभी आप लोग अगर उस फोन को फॉर्मेट कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, जो भी लोड बढ़ जाता है. इसीलिए प्रोसेसिंग आउटपुट भी जो भी आता है वो डेटा ही होता है. वो डेटा को प्रोसेस करता है तो इन्फॉर्मेशन मिलता है. सो एज यू राइटली सेड, एरे इज ए कलेक्शन. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एरे इज ए होमोजीनियस कलेक्शन. मतलब आपको एक ही टाइप की चीज कलेक्ट करने का टाइम है, देन यू कैन कलेक्ट इट टू द अरे. यू कैन नॉट कलेक्ट मल्टीपल पीपल्स इनटू वन अरे. अरे आप लोग को सबको पता है, पहले व्हाटएवर वी आर यूजिंग, वी आर डिफाइनिंग इट, आइदर इट इज इंटीजर और इज फ्लोट और कैरेक्टर. कोई भी चीज यूज करने से पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ता है. एम आई करेक्ट? इंटीजर का ही कलेक्शन चाहिए. जैसे कि आप लोगों ने 10th में 7th 8th में पढ़ा होगा सेट थ्योरी.
Everybody is having mathematics background, I believe. Yes, yes. So set study आपने पढ़ा होगा. Set study में क्या था? Collection. Integer का set लेते हैं. Whole number का set, natural numbers का set. 1, 2, 3, 4 into the brackets. That was the set study ना? So वही set study आपका computer से लिखे तो करके array बना. Only thing is that आप एक चीज़ यहाँ यहाँ करना होगा array में. As soon as you have to use the array, you have to define the array, and it should be of one kind only. ऑर्डर सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट. आप अगर इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर को ही लेना पड़ेगा एरे में. इंटीजर नहीं ले रहे हैं अगर कैरेक्टर चाहिए तो सो डेटा टाइप का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट हैव अ मिक्स्ड डेटा टाइप स्ट्रक्चर. दैट इज योर वन पार्ट ऑफ द एरे. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द एरे? Why the array is required? Anybody? Direct public could be. Anybody? Only RC. I'll tell you. सर जैसे जैसे रोल नंबर हो गया तो रोल नंबर को दिखाना है तो सेम इंटीजर का एक कलेक्शन है तो इसलिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल अभी देता हूं. राइट नाउ वी ऑल आर कनेक्टेड. आई एम सीइंग हियर 3 and 2, 5 पर्संस आर देयर. ओके इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग योर सेंटर एंड 4 पार्टिसिपेंट्स. टोटल 6 पर्संस आर देयर. सो ए कलेक्शन ए ग्रुप. राइट नाउ अगर मुझे एनरोलमेंट सीट एक कोडिंग लिखनी पड़ेगी दैट बैच नंबर 1 टुडे इज 8 एएम टू 10 एएम. व्हाट इज द बैच एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. सो व्हाट आई हैव टू डू आपके प्रोग्रामिंग के हिसाब से फिर मुझे एक बार एक वेरिएबल लेकर के आई हैव टू असाइन ओके इंट विक्रम अगे कैरेक्टर विक्रम कैरेक्टर अंकिता एंड कैरेक्टर राजीव एंड कैरेक्टर बॉबी एंड कैरेक्टर इग्नू इंक्लूडिंग मी. सो 6 वेरिएबल्स लेके मुझे अलग अलग 6 कैरेक्टर्स डिजाइन डिफाइन करने पड़ेंगे. अगर मैं आपकी इस मीटिंग के लिए ही सपोज कीजिए अटेंडेंस सीट डेवलप करूं. ऑल थिंग्स आर ह्यूमंस फर्स्ट और अलग अलग 6 वेरिएबल मुझे लेने पड़ेंगे तो ही जाकर के आप सारे का डिटेल्स आएगा और उन 6 वेरिएबल्स के लिए मुझे फिर कुछ असाइन करना पड़ेगा. अगर मैं एरे एक डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ और उसका नाम डाल देता हूँ कैरेक्टर MSC021 और उसका साइज कर देता हूँ 20 और उसमें मैं आप सबको स्टोर कर लेता हूँ तो मुझे बस एक जगह एक सेट डिफाइन करना पड़ेगा और आप सारे उसमें आ जाएंगे. Am I correct? Yes, sir. और बेसिक वेरिएबल्स और एरे दोनों के बीच का मास्टर डिफरेंस आपका ये होता है. कंप्यूटर में जैसे भी कोई चीज आप इनिशियलाइज करते हैं या डिफाइन करते हैं सपोज कीजिए आपने एक इंटीजर लिया एक फ्लोट लिया एक कैरेक्टर लिया तो रैंडमली उसको कंप्यूटर मेमोरी एलोकेट करता है. वो उसी तरह हो गया जिस तरह आपके पास एक एम्प्टी रूम है. आप 5 सामान घर में लेके आए तो आप 5 में से कोई सामान कहीं भी रख दीजिए. कंप्यूटर वैसे काम करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रूप में. लेकिन जब आप एरे इनिशियलाइज करते हैं तो वो वैल्यूज को एक साथ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है. दूसरा सबसे बड़ा फायदा है एरे का. पहला तो है कलेक्शन लेना. किसी भी अगर आप मोर देन 1 प्लूरल नंबर्स में डील करते हैं तो आपको एरे की जरूरत पड़ेगी. सेकेंड वन एरे की एक बहुत बड़ी खासियत या विशेषता ये है जो वो इन सारे वेरिएबल्स को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है. जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा ना बुक का रैक है. आप कोई भी बुक लेते हैं तो रैक में एक के बगल एक बुक को सजाते जाते हैं. सो दीज सेट ऑफ बुक्स यू कैन थिंक ऑफ एज एन एरे. अगर आप लोगों ने कोई लाइब्रेरी में गए होंगे या कहीं गए होंगे वहां पर पर्टिकुलरली डिफाइंड रहता है. कंप्यूटर्स की बुक होंगी तो एक सेक्शन में सारी कंप्यूटर्स की बुक मिलेंगी. कंप्यूटर्स में फर्दर क्लासिफिकेशन कीजिएगा तो सी की बुक्स एक जगह मिलेंगी जावा की एक जगह मिलेंगी नेटवर्किंग की एक जगह मिलेंगी. सो एरे इज सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट where homogeneous set of data elements can be captured and internally they are stored in contiguous memory locations inside the computer. अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है. कंटिन्यूअस कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर होता है
इससे फायदा क्या होगा? Why it is necessary and what benefits we can get? Maybe. Hello. Anybody wants to respond? No, sir. चलिए अभी आप मुझे एक चीज बताइए, लाइब्रेरी आप लोगों ने गए, आप सबने लाइब्रेरी देखी है? यस सर। एवरीबॉडी लाइब्रेरी में बुक्स, आप अपने घर में ही, आप लोगों ने तो स्कूल कॉलेज सारा कुछ किया है, चीजें ऑर्गेनाइज करके घर में रखी रहती हैं, whether it's your clothes, whether it is books, whether it is your grocery items, we all yes sir try to arrange our things. Okay, but why we are arranging the things and what is the benefit of arranging the things? कॉमन सेंस में मुझे जवाब दीजिए। नथिंग प्रोग्रामिंग आसानी से, जब जब किसी किसी मतलब जरूरत पड़े तो आसानी से उसके ढूंढ सकते, आसानी से मिल जाएगा। पहला चीज तो नीट एंड क्लीन देखने में अच्छा लगता है, अरेंज्ड है, ठीक है, इट गिव्स यू अ गुड वाइब। सेकंड वन इज दैट यू नो दैट मुझे कोई भी चीज अगर खोजना होगा तो वो आसानी से मिल जाएगा। सो नाउ कंप्यूटर्स में तो देखने में कुछ अच्छा नहीं लगता है अंदर में, बट द सेकेंड पॉइंट इज बस इम्पोर्टेंट, चीजें रिट्रीव आसानी से होती हैं। अरेंज का, अरेंजिंग करने का यही एक फायदा है, आप एक के बगल में कोई चीज स्टोर करते हैं, देन यू कम टू नो दैट ओके अभी ये चीज यहाँ है तो इसके नेक्स्ट वो चीज वहां मिलेगा। इसी तरह आप अगर बुक स्टोर में जाते हैं तो बुक स्टोर में भी वो बुक अरेंज करके रखता है एक सेट का, तो उसको पता रहता है। मान लीजिए कोई नया बंदा भी आता है तो उसको भी पता रहता है, एक दिन में वो समझ जाता है ये बुक यहाँ मिलेगी, ये बुक्स वहां मिलेगी, इट्स वेरी इजी टू रिट्रीव दैट। That's why computer क्या करता है, since it's a collection, तो collection में कोई भी चीज बिखर नहीं जाए। अगर हम अलग अलग रखेंगे तो बिखरी हुई चीजें रहेंगी और बिखरी हुई चीजों को रिट्रीव करने में दिक्कत आएगी। That's why it is being stored at contiguous memory location so that it can be, पहला थिंग है वो ग्रुप रहेगा, ग्रुपिंग रहेगा, ग्रुपिंग रह करके आइडेंटिफाइड नेम रहेगा। जिस तरह आप लोग का भी एक बैच है, when you people have joined in BCA or MCA, you people are joined in a batch. So you are identified with a batch, BCA first sem, BCA third sem, MCA second sem, like that. And batch ke baad continuous roll numbers are being assigned. So batch means a group has been created and contiguous roll numbers are being assigned so that it can be tracked. This roll number to that roll number belongs to that group which is of either BCA third semester or MCA second semester. That's why grouping is necessary and the contiguous memory location is required so that it can be retrieved in a much faster way. This is a very much important thing. And this is the power of the IRIS, power number one. मैं अगर आपकी बुक देखूं, Yes, sir. So, यहां से मैं आपको लेकर के चलता हूँ, why this is an array. Basic चीज तो आपको मैंने बता दिया, the important factor here it is that may not contain a mix of data type. Data type will be single, fixed. Either it will be integer or character or whatever data type you know. How to declare the array? Here the question is that single dimensional array. We will come to know what are the other dimensions of the array. Let us start with single dimensional array, that means collection of books or something. So first, all of you know that you have to define the data type. As you are defining that, agar aapko integer declare karna hai, then you are defining int a. So the A is the variable which of data type integer. So here always we know in the C, first thing is that data type we have to define. So here it is data type int, and second one is the name of the array.
and after that brackets, and inside that 100. The inside 100 denotes that this array has the capacity to store 100 elements. The member of the array are called elements. So, इस array में आप 100 values रख सकते हैं. जिस तरह आपको पता है, अगर आपके पास कोई चीज, आप एक जार लेते हैं 500 ml की, कोई जार लेते हैं तो आप 500 ml ही उसमें रख सकते हैं आप. Yes, sir. इसीलिए साइज डिफाइन करना पड़ता है. इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ऑलवेज यू डिफाइन द साइज. साइज डिफाइन करना और नहीं डिफाइन करना दोनों का एक अपना अपना प्रॉपर्टीज है. विल सी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दैट व्हाई वी शुड डिफाइन द एरे एंड व्हाई वी शुड नॉट डिफाइन द एरे साइज ऑफ द एरे. सो इससे एक चीज फिक्स हो गया, डेटा टाइप हो गया, एरे का नेम हो गया और साइज. साइज इसीलिए डिफाइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ही आप साइज डिफाइन करते हैं तो कंप्यूटर को एक चीज समझ में आता है तो आप इस चीज को यूज करना चाहते हैं. तो कंप्यूटर उसका मेमोरी जो है पहले ही रिजर्व करके रख देता है आपके. दैट मींस यू विल नेवर गेट शॉर्ट ऑफ द मेमोरी. मेमोरी आपका शॉर्ट नहीं होगा. कंप्यूटर ये एज्यूम करके चलता है जो आपको इसमें 100 इंटीजर स्टोर करना है. एक इंटीजर की साइज क्या होती है कंप्यूटर में? एनीबॉडी? साइज ऑफ द इंटीजर इन प्रोग्रामिंग, हाउ मच स्पेस, हाउ मच मेमोरी इट टेक्स, व्हाट इज द साइज ऑफ द इंटीजर? 2 बाइट्स. गुड. सो अगर आला दैट मींस कंप्यूटर कितना साइज स्टोर करेगा? 200. ठीक है, गुड. सो यहाँ पर वही है, टोटल साइज इन रिक्वायर्ड कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड इन साइज ऑफ द डेटा टाइप एंड द लेंथ ऑफ द एरे. साइज ऑफ द डेटा टाइप इंटीजर, लेंथ ऑफ द एरे 100. सो दिस साइज इनटू 100 इज इक्वल टू 200. नाउ मार्किंग सीरियल नंबर, मार्किंग हम लोग करते हैं ना, 100 है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? नॉर्मली हमारे लाइफ में स्टार्ट होता है कोई भी वैल्यू 1 से. व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग इट स्टार्ट्स विद 1 ऑलवेज. सो but in computers it always start with 0. so the first starting hai usko lower bound bolte hain and the second starting hai wo upper bound bolte hain. so jaise hi hum isko start karenge to ye 0 se start hoga. first value jo hogi wo a0 pe stored hogi aur isi tarah second value, last value a99 pe stored ho jayegi. okay, up to that part? yes sir. So then how to use it? Point number again 1. So यहाँ पर आप देख रहे हैं that it's always 0, lower bound and upper bound. Upper bound is 99. Number of elements, upper bound minus lower bound. So these are some examples. First we have declared here. Now declare करने के बाद we are putting the values into that. Now you tell me one thing. Whenever we define any data type, what is stored by default into that? Suppose कि आपने थोड़ी बहुत programming की होगी. हम computer में C में int a लिखते हैं. a में initially कोई value रहती है या नहीं रहती है? null. Okay, any other idea? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, सिंपल चीज. कोई भी हमारे जनरल लाइफ में यानी कोई भी बर्तन है, नॉर्मली ये ग्लास है या एक बोतल है, वो जब हम परचेज करते हैं जब हम, तो क्या होती है? खाली रहती है. Yes, sir. अगर उसको साइंस की भाषा में बोले तो वो खाली नहीं रहती है. Yes, sir. क्या रहता है? Air. Air रहता है. So there is a difference between normal language and scientific language. Gas रहता है उसमें. क्या रहता है? मैम? Okay. तो यहाँ भी वही चीज है. जब आप कोई भी चीज को define करते हैं और आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज वैल्यू रहती है.
दैट मीन्स अननोन वैल्यू रहती है, यू कैन नॉट बी डिफिनेट दैट उसमें जीरो ही रहेगा या नल रहेगा। गार्बेज मतलब रैंडमली कंप्यूटर कुछ भी उसको असाइन कर देता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर है ताकि कोई भी चीज एम्प्टी ना रहे। अब ये पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ A4 का चार वैल्यू दिया। सेकेंड वन इनिशियलाइज करने का तरीका, एरे लिया, नाम लिया, साइज नहीं लिया बट वैल्यू डाल दिया। तो इस पे एरे की साइज क्या हो गई सेकेंड एग्जांपल पे? चार हो गई। ओके, तो बाद में कुछ ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? यहाँ तो आप देख रहे हैं 4 डिफाइन किया गया, इसमें 4 से ज्यादा वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। आप एक साथ ही कोई भी चीज को डिफाइन भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने एरे दिया, साइज इज इसका, क्योंकि अगर आप एरे को वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं तो साइज ऑप्शनल हो जाता है, जरूरी नहीं है साइज देना। बाय डिफॉल्ट ये समझ जाता है जो आप इसमें चार वैल्यू स्टोर किए। ओके, सो दीज आर द टू मेथड्स व्हिच यू कैन इनिशियलाइज एरे। ये पॉइंट नंबर 1 की वही बात है, अगर हम इनिशियलाइज करते हैं देन डायमेंशन जो है ऑप्शनल होता है। एग्जांपल नंबर 2, वैल्यू हमने डाल दिया तो डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं, और एरे में जब तक कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं आते हैं वो गार्बेज वैल्यू लेता है। सर सेकंड वाली सेकंड वाले में और भी वैल्यू डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? एक क्वेश्चन है आपका, नहीं डाल सकते हैं नॉर्मली। ओके, आपको कोडिंग करते हैं पढ़ते पढ़ते अब देखिए पॉइंट नंबर पाइए सी का कंपाइलर जो है एरे का बाउंस कभी चेक नहीं करता है। ये आपको चेक करना है जो एरे की बाउंड्री क्या है। सपोज कीजिए आपने एरे डिफाइन किया 4 कैरेक्टर का और आप उसका वैल्यू स्टोर करा दिए 6, तो क्या होगा? वो आपको कोड लिखने का पूरा का पूरा परमिशन देगा, मतलब वैल्यू लेगा कोड। सो इसीलिए कंप्यूटर में असल में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला, वो यूजर को छोड़ दिया है। यूजर हैज टू चेक दैट व्हाट साइज इज डिफाइनिंग एंड व्हाट वैल्यू दे टू द स्टोर। हां, डेटा टाइप मिसमैच करेगा तो आपको एरर दे देगा। ओके कैरेक्टर सी से तो एक कैरेक्टर होगा, मल्टीपल कैरेक्टर लेना पड़ा तो चलिए एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया हुआ है। कैरेक्टर लिया, मैसेज लिया, ठीक है, अनडिफाइंड छोड़ दिया है को। दो तरीका है, ये देखिए ये कैरेक्टर्स के सेट में ले रहा है EXAMPLE
और लास्ट में स्लैश एन। ये स्लैश जीरो नल कैरेक्टर, सिंपल है, आपको इतना भी नहीं करना है। सिंपल कैरेक्टर इज इक्वल टू डबल कोट्स में सेंटेंस डालिएगा। स्ट्रिंग की एक सबसे बड़ा कैरेक्टर स्ट्रिंग्स का खासियत ये है, उसको टर्मिनेट करने के लिए ये अपने आप से नल इंसर्ट करता है कंप्यूटर, अदरवाइज क्या होगा उसको एरे का लास्ट पता नहीं चलेगा। इसलिए चूंकि उसको लास्ट को रखने के लिए, डिनोट करने के लिए जो उसका एंड कहां होगा, बाय डिफॉल्ट इट स्टोर्स योर वैल्यू। तो नाउ जो उसमें क्वेश्चन होगा, अगर मैं कैरेक्टर 5 डिजाइन करता हूं एरे का, कैरेक्टर एरे 5, तो उसमें मैं 4 वैल्यू ही स्टोर कर सकता हूं, क्योंकि तो पांचवा वैल्यू जो है एक रिजर्व है जो कि स्लैश जीरो के लिए। यू आर गेटिंग द पॉइंट? यस सर। कैरेक्टर जो भी डिफाइन करते हैं एक आपको डिफॉल्ट स्टोर देना होता है नल कैरेक्टर। Each character in array 1 byte of memory and last character is always 0. Note that slash 0 and 0 are not the same. Slash 0 मतलब null है और 0 मतलब आपका जो 0, 1, 2, 3 मतलब 0 है। और बताया जैसे कि सारे store होते हैं contiguous memory location में। इसलिए C जो है आपको एक dynamically तरीका देता है initialize करने का, जो कि ये है। आप कैरेक्टर वाइज इनिशियलाइज नहीं कीजिए, डबल कोट्स में वैल्यू डाल दीजिए, काम खत्म, और स्लैश एंड डालने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप कैरेक्टर एरे डिफाइन करके डबल कोट्स में, याद रखिए अगर आपको अपना नाम या कोई भी चीज इनिशियलाइज करना है तो डबल कोट्स में इनिशियलाइज कर दीजिए, एक एक करके आपको। जैसा ये एग्जांपल है, ये इंटरनल कंप्यूटर स्टोर करता है, इस तरीके से कंप्यूटर उसको इंटरनली स्टोर कर देता है, बट आप इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। दोनों तरीका। अब आ रहा है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल का यूज कहां होगा? कॉलम बनाना, रो और कलम की जहाँ जरूरत पड़ी। आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा। यस यस। तो मैट्रिक्स इज मल्टी डायमेंशनल एरे, इसमें भी कुछ नहीं है। डेटा टाइप एरे नेम, रो साइज, कॉलम साइज, थ्री और फाइव, तो तीन रो पांच कॉलम। अगर जैसे आपको ये दिखाया हुआ है 0000023। पार्डन मैडम, आवाज आपकी कम आ रही है, ब्रेक हो रही है।
दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, एक पॉइंटर एक्स और एक एडे। ओके ओके पॉइंटर से डिक्लेयर होता है ना स्टार्ट पॉइंटर में क्या स्टोर होता है? एड्रेस होता है सर, किसी वेरिएबल का। यस यस कांस्टेंट का भी एड्रेस हो सकता है ना, पॉइंटर में वैल्यू डायरेक्ट कर सकते हैं। पॉइंटर में एड्रेस भी स्टोर होता है, वो वैल्यू के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ये सर वो अपना वैल्यू रखता है और एड्रेस नहीं रखता। ओके ओके तो देखिए एक पॉइंटर हमने डिक्लेअर किया और एक अरे डिक्लेअर किया 10 साइज का। ओके ओके अब ये पॉइंटर में हम क्या स्टोर करवा सकते हैं? ये जो वेरिएबल होगा ये वाले में उसके एड्रेस पे। सो इस पे अभी आपने ऊपर देखा एरे का जो नेम है, एरे का नेम इटसेल्फ इज द एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। तो पॉइंटर एक्स में मैं एड्रेस का ए इनिशियलाइज करवा रहा हूं। ए इज नथिंग, ए कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इसी को दूसरे तरीका से मैं अगर लिख सकता था तो x is equal to m percent a of 0, so m percent of a on 0 and m percent of and simple a, both are same. So now x contains the address. अब x 5 is equal to 100. अब आप गौर कीजिए only writing x, x में आपने एक एड्रेस डाल दिया, बेस एड्रेस डाल दिया यहां से। अब मैं x 5 ले रहा हूं, मतलब जो 10 एरे है उसका पांचवा वैल्यू x 5 कौन सा वैल्यू है? 6 नंबर 0 से स्टार्ट होता है। यस 6 नंबर 6 पोजीशन पे 100 का इनिशियलाइज करता है। और ये तो एड्रेस के लिए और ये वैल्यू है x plus 5 pointer is equal to 100, both these notations are same,
These are only way of writing. So almost the address when followed by a star gives you the value. Pointer ke case mein, by referring the pointer name, it gives you the address. By putting a star before the pointer will give you the value. So x is an address. So x 5 ka matlab bhi ho gaya x plus 5. और ये x plus 5 address देगा, लेकिन इसके आगे जब आप star लगा रहे हैं तो वो value देगा. तो array, simplified form of array is that name of the array plus the base length and whatever position you want and put a star into that. So name of a array is pointer to that array which contains the base address of the array. पांच चीजें अगर आपने array में store की, suppose कीजिए एक rack है जिसमें कि पांच levels बने हुए हैं. तो rack 5 आपने लिखा, so rack contains the first address of the complete rack and rack 0 will be the first row, rack 1 will be the second row, rack 2 will be the third row, rack 4 will be the third, sorry, rack 4 will be the third and rack 5 will be the fourth. Or rack plus 0, 1, 2, 3, 4, put a star onto that, you can store the books onto that rack. Without a star, it will give you the address of that rack. तो बेसिकली आपको ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आगे के सारे चीजों के लिए. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू आर देयर, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट मच पार्ट, प्रैक्टिस दैट मच पार्ट, बिकॉज एवरीवेयर दीज पार्ट्स विल बी यूज्ड टू डिकोड योर एरे, वेदर इट इज एरे, वेदर इट इज लिंक लिस्ट, वेदर इट इज ट्री, everything, this is your crux. How array is represented in the memory and how you can assign and retrieve the values from that array. Got it? Yes, sir. Now, again coming to that, ये तो one dimensional array था आपका. Both assignment statements place the value 100 in the sixth element of A. Okay, ऐसे भी लिखिएगा तो six में जाएगा, ऐसे भी लिखिएगा तो six में जाएगा. Now two dimensional array 04 का मतलब कौन सा row कौन सा column? Zero मतलब first row और fourth column. First row और fifth, four मतलब fifth column. Yes. So first row or fifth column, ye row hua, ye column 1, column number 1, 2, 3, 4, 5. So A04 ho gaya aapka ye value. Agar ye 3 dimensional array hai, 2 dimensional array 3 into 5 ka hai. Isko hum pointer mein kaise likhenge? To dekhiye, A04 तो आपको समझ में आ ही रहा है. अब इस एग्जांपल को अगर लीजिए और इस एग्जांपल से इस एग्जांपल को रिलेट कीजिए तो देखिए कैसे होगा. यू नो दैट ए, अभी हमने देखा पी एंड पी जीरो आर आइडेंटिकल, बाय रेफरिंग द नेम ऑफ द एरे इट ऑलवेज कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. ओके, so now what will be the first element of a two dimensional array? Here you see and tell me. Anybody? What is the first element of this array which is on your screen? 00. Always good. So in the memory, these arrays are stored A00, A01, first, second, third, fourth, fifth. और बाकी भी जो स्टोर होता है वो इसके बगल में ही स्टोर होता है. ये आपका रिप्रेजेंटेशन है समझाने के लिए जो इसको नीचे लाके रखा गया है.
बट ऑलवेज एरेज जो है कंटिग्यूअस में ही स्टोर होगा. सो अगर मैं इस एरे में ए लिखता हूं तो ए में क्या वैल्यू रहेगी? ए में क्या वैल्यू रहेगी बताइए मुझे. यहां पी में क्या वैल्यू है? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. यस, ये आपका मास्टर स्टेटमेंट है. ये देख लीजिए, this is a master statement. It applies for n dimensional array where n can be 1 to 100 or whatever you show. Array name without an index is always a pointer which contains the base address of that array. index ka matlab ye hua, ye value bracket ke andar jo hua figure hai usko index bolte hain. So, array अगर मैं one dimensional लूं या two dimensional लूं, अगर मैं सिर्फ a refer, p refer करता हूं, तो p में हमेशा यही address रहेगा. अगर multi dimensional है तो ये address रहेगा, अगर single dimensional है तो ये address रहेगा. Okay? Okay, sir. तो अब उसको pointer के form में हम कैसे लिखेंगे इसीलिए. और ये देखिए ए जीरो, अब अगर मैं लिखता हूं तो सबसे पहले कॉलम को पकड़ना है, रो को पकड़ना है. जीरो फोर का एड्रेस जीरो फोर एलिमेंट ऑफ ए टू डायमेंशनल एरे में बी रेफरेंस इनटू फॉलोइंग टू वेज. जीरो फोर हो गया पहला रो और पांचवा कॉलम. तो रो तो मेरा पहला है. हम लोग कोई भी अपने नेचुरली हम लोग कैसे कोई भी चीज को पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट. यस, जो हमारा लिखने और पढ़ने का तरीका है, चाहे बुक लिखी हुई हो या कोई चीज लिखी हुई हो. ठीक है, इन ऑल द वर्नाकुलर लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश एंड ऑल, हमारा देखने और पढ़ने का नजरिया लेफ्ट टू राइट है. ओके, यस सर. उर्दू राइट टू लेफ्ट है. So we are following the English which stands from right to left to right. So array भी आपका इसी तरह left to right ही जाता है. So 0-4 को represent करना होगा अगर, तो सबसे पहले आपको column पकड़ना है. A का मतलब A 0 by default हो गया. A plus 4, पांचवा column. और पांचवा column में आपका integer array है, तो integer pointer. तो ये पॉइंटर जो है ए प्लस फोर सिंगल डायमेंशनल का एड्रेस दिया, यानी ये आपको फोर्थ कॉलम पे ले गया. गौर कीजिएगा, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना. प्लस को छोड़ दीजिए, ये वैल्यू जो है वो आपको फर्स्ट रो पे ले गया, पहले पोजीशन पे, यानी ए जीरो जीरो पे ये वैल्यू है आपकी. इंट पॉइंटर ए, ये आपका रैक का पहला स्पेस को पॉइंट कर रहा है, यानी आप पहले रो पे हैं, पहले रो की पहली पोजीशन पे हैं. और जब आप उसमें फोर ऐड कर रहे हैं तो वो ट्रेवर्स करता हुआ 0, 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ पोजीशन पे जा रहा है जो कि प्लस फोर है. और ये फिफ्थ पोजीशन पे जो पॉइंटर है वो इस स्टार से वैल्यू आपको लेके दे रहा है. फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां ये अच्छी तरह से समझिए. पॉइंटर्स, एरे एंड पॉइंटर्स. एरे हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ऐसा ही अपने रियल लाइफ में भी कैसे? एवरीबॉडी, यस सर. तो इसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना पड़ा, गौर कीजिएगा, तो मैं पॉइंटर के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. मैं सिंपल अगर ए लिखूंगा, ओनली ए, अभी आपको बताया दैट नेम ऑफ द एरे ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. सिर्फ ए लिखने से ही ये
एड्रेस मिल गया मुझे, और अगर मैं पॉइंटर ए लिखा तो मुझे इसमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। एक तरीका। दूसरा तरीका, फिर मैं ए ए प्लस जीरो लिखा, ए प्लस जीरो मतलब जीरो एथ रो, ए प्लस जीरो का मतलब भी हो गया मेरा यही एड्रेस, लेकिन इस एड्रेस के साथ पूरा ब्लॉक, इस रो में ये ए जीरो का मतलब हो गया ये एंटायर ब्लॉक। और जब तक मैं ए जीरो जीरो स्पेसिफाई ना करूं, ए जीरो जीरो का मतलब हो गया ओनली दिस सेल। क्लियर? तो अगर मुझे इसकी वैल्यू लेनी है पॉइंटर फॉर्म में तो सिंपल है, मुझे कुछ नहीं करना है, ए प्लस जीरो उस पे पॉइंटर, और फिर ये जीरो उस पे पॉइंटर, यानी दो पॉइंटर का मैं यूज करूंगा क्योंकि दो डायमेंशनल एरे है। पहले मैं लास्ट से शुरू करूंगा, कॉलम को रिफर करूंगा, कॉलम पे पॉइंटर लगा के उसकी वैल्यू लूंगा, उस पूरे पे पॉइंटर लगा के इसकी वैल्यू लूंगा। लास्ट में आपका जनरल फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ए जे के इज इक्विवेलेंट ऑफ बेस टाइप का पॉइंटर इंट है तो इंट का पॉइंटर ए प्लस जे इंटू रो लेंथ इंटू के। इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा समझ के। ओके yes, स्पार्स मैट्रिक्स तो सिंपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यू जीरो होती है। ये देखिए एग्जांपल, जहां अधिकांश वैल्यू जीरो होती है तो उसको स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स का यूज बहुत कम है, इसको बहुत, लेकिन ये आपको आगे दिखाऊंगा मैं जो स्पार्स मैट्रिक्स का जनरली यूज कहां पर आएगा। ये तो आपका नोटेशन है 0 to 6 एंड 0 to 5, 7 by 6 का है, ये उसकी वैल्यूज हैं। पहला रो को छोड़कर, पहला कॉलम को छोड़कर बाकी वैल्यूज हैं, और ये तो आपका इंडेक्स है, इसमें कुछ नहीं है, आपका थ्योरी है बस। अब ये आपका प्रोग्राम है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। आज मैं आपकी क्लास को यहां पे एंड कर रहा हूं बिकॉज आई हैव गॉट सम अदर कमिटमेंट्स 9:10। कल मैं आपको इस चैप्टर को आगे कंक्लूड करूंगा। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है इससे पहले कि आपको ये एरेज एक बार आपको पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद कल मुझसे क्वेश्चन पूछना है। ओके आई एम सॉरी टू से, कल 8 बजे शार्प हम लोग मिलते हैं। टुडे आई हैव गॉट सम अनदर वर्क सो आई नीड टू कंक्लूड इट। थैंक यू सर। ओके, टुमारो वी विल सी शार्प 8। ओके ओके सर। Okay. Thank you. Thank you and bye bye. Have a nice day to all of you.